हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और संदीप फूड मैजिक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रॉयल फ्लेवर रेसिपी, जो बहुत ही यूनिक है, हेल्दी भी है और सुपर डिलीशियस है। इसे हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल मसाले के साथ, जो बहुत ही आसान है बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं। रॉयल ड्राई फ्रूट नमकीन बनाने के लिए हमें चाहिए देसी घी, पिस्ता, काजू, किशमिश, बादाम, मखाने और मेलन सीड्स और कुछ घर के मसालों से। इसके लिए हम एक बहुत ही स्पेशल मसाला तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, रॉयल ड्राई फ्रूट नमकीन। तो इसके लिए हम एक जार लेंगे और उसमें डालेंगे हम एक चम्मच सौंफ, एक चम्मच जीरा और एक चम्मच काली मिर्च, एक चम्मच साबुत धनिया और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग लेंगे हम, और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच। इन सभी को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और इसका एक फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे और इसको हम एक बाउल में निकाल के अलग रख लेंगे। तो ये हमारा स्पेशल मसाला तैयार है। अब हम एक पैन को गरम करेंगे और उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे और इसमें 1 कटोरी मखाने डाल के उसको रोस्ट कर लेंगे। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। मखानों से जब खन खन की आवाज़ आने लगती है तो इसका मतलब है कि वो रोस्ट हो चुके हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने मखानों को रोस्ट कर लिया है। अब हम इनको एक अलग बाउल में रख देंगे और इसी पैन में हम थोड़ा सा देसी घी और डालेंगे और इसमें 1 कटोरी बादाम डाल के रोस्ट करेंगे। इसको भी हमें लो मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करना है। बादाम और मखाने हमने इसलिए अलग रोस्ट किए हैं क्योंकि इनको थोड़ा सा रोस्ट होने में टाइम लगता है, तो इसे भी हम अलग निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही यमी और टेस्टी रेसिपी है और हेल्दी भी है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब इसी पैन में हम काजू भी रोस्ट कर लेंगे। काजू को रोस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसी में ही हम बाकी भी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप मेलन सीड्स, जिसे तरबूज के बीज भी कहते हैं, और इसमें डाला है हमने 1/4 कप पिस्ता। अब इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लग रही है ना। और इसमें हमने डाला 1 कप किशमिश। किशमिश डालने के बाद हमें सिर्फ 1 मिनट तक ही इसको रोस्ट करना है। ये देखिए, अब ये रोस्ट हो चुके हैं। इनको भी हम बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम स्पेशल मसाला जो हमने तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि कितनी जल्दी और बहुत ही यमी सी रेसिपी आज की तैयार हुई है। फ्रेंड्स, ये रॉयल ड्राई फ्रूट मिक्सचर रॉयल फैमिली इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप भी इसे घर पे ट्राई करिए और बिल्कुल रॉयल फैमिली जैसा ही फील करिए। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को आप भी बनाइए और अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को टैप करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, जिससे नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर और यमी यमी और सुपर डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।